टाइम विद बीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो टॉपिक है JBL ION 206P। ये एक पोर्टेबल पावर्ड सिस्टम है। आज हम इसी पावर्ड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसका अनबॉक्सिंग करके देखेंगे हम इसमें क्या क्या एसेसरीज इसके साथ मिलती है, साथ में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या एसेसरीज हमें मिलती हैं, JBL क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। इस बॉक्स में सबसे पहले हमें मिलती है इसकी कैटलॉग, जिससे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कैसे इसके फीचर्स हैं, कैसे इनको यूज़ करना है। उसके साथ हमें मिलती हैं ये दो कनेक्शन केबल जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं उसके लिए। उसके साथ हमें मिलता है इसमें एक पावर कॉर्ड, यूनिवर्सल पावर कॉर्ड है ये। इसकी पैकिंग आप देखिए, पैकिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से की है इन्होंने, यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा सिस्टम, सिस्टम की भी पैकिंग आप देखिए काफ़ी अच्छी की गई है। मैं इसको बाहर निकालता हूँ, बहुत ही लाइट वेट है, आप देखिए बहुत ही लाइट वेट है, मात्र 11 किलो का ये पूरा सेट है। आप आसानी से कहीं भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ये हमारा स्पीकर है दोस्तों, आप देखेंगे एक सूटकेस डिज़ाइन में इस स्पीकर को सेट किया गया है, जिसमें आपके लेफ्ट राइट दो स्पीकर होते हैं, बीच में इसका एक मिक्सर होता है और ऊपर इसके एक हैंडल दिया गया है सूटकेस टाइप का, जिसको आप पकड़ के आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में, पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए। देखिए आप कितनी आसानी से कैरी कर लिया मैंने इसको, यहाँ आप देखेंगे ये हैंडल भी दिया गया है और ऐसा फिक्स हो जाता है, कहीं भी हिलेगा डुलेगा नहीं, आपका सिस्टम एक जगह सेट रहेगा पूरा। सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है, हम इसको कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेट कैसे ओपन होता है, थोड़ा कैमरे को मैं नज़दीक लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप ये स्पीकर देख रहे हैं, ये स्पीकर देखिए, यहाँ पे देखिए ये लॉक है, इसको हम जस्ट हमको पुश करना है इस तरीके से, ये हमारा सिस्टम एक ओपन हो गया। देखिए उसी तरीके से हमारा यहाँ भी देखेंगे आप, ये दूसरा है, इसको हमें जस्ट पुश करना है और इसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और अगर हमें इनको लॉक करना है वापस, तो हम इनको ऐसे रख के एज इट इज़ इस तरीके से कर देना है, ये लॉक हो जाएगा आपका, पुश करके हम इसका लॉक खोल के स्पीकर साइड कर सकते हैं। इधर ये हमारा मिक्सर हो गया। अब मैं आपको इनके लुक थोड़ा दिखाता हूँ, साथ में इनके फीचर्स भी आपको बताते हुए चलता हूँ। दोस्तों ये है स्पीकर, देखिए आप लेफ्ट, ये एक स्पीकर हो गया आपका, इसमें आप देखेंगे आपको 6.5 इंच का LF ड्राइवर मिलता है इन दोनों स्पीकर्स में आपको, साथ में ये टू वे सिस्टम है तो आपको ऊपर ट्विटर भी मिलेगा इसमें। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसके साथ एक मिक्सर भी अटैच है, ऊपर मॉडल नंबर है, यहाँ आप देखेंगे ये मिक्सर है, मिक्सर में सारे ऑनबोर्ड सिस्टम आपको दिए गए हैं। इन सारे सिस्टम के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ आप देखेंगे नीचे यहाँ JBL की ब्रांडिंग है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिखेगा, ये सीरियल नंबर है। मैं इसका बैक साइड आपको दिखा देता हूँ, स्पीकर का साइड से लुक देखिए आप, बैग देखिए, यहाँ आप देखेंगे JBL की ब्रांडिंग है, ये कैरी करने के लिए आपको, इधर आप देखेंगे आपको कनेक्शन करने के लिए जो इसमें केबल दी गई है स्पीकर से मिक्सर कनेक्ट करने के लिए, वो ये केबल है, इसके थ्रू आप यहाँ इसको लगा के और दूसरी साइड मिक्सर के आप लगा के उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आपको मैं मिक्सर का बैक साइड भी दिखा देता हूँ, वहाँ आपको क्या कनेक्शन मिलते हैं। यहाँ देखिए ये स्पीकर कनेक्ट करने के लिए लेफ्ट राइट आपको जो मैंने केबल दिखाई थी
ये केबल आपको दो केबल ऐसी मिलती हैं इस सेट के साथ, वो सेट का आप एक एक यहाँ पे लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट राइट के लिए, यहाँ लिखा भी हुआ है। इधर ये पावर का बटन है, यहाँ पे यूनिवर्सल पावर कॉर्ड का सॉकेट है, लगा के आप उसको ऑन कर दीजिए बटन को। यहाँ पे वोल्टेज आपको बताया गया है कितने से कितने के बीच में एसी लाइन पे काम करेगा ये। तो ये थे इसके बैक साइड में जो फीचर्स हैं। अब मैं इसके फ्रंट पे आता हूँ और इसके जो सिस्टम है यहाँ पे वो आपको मैं बताते हुए चलता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा मिक्सर। मिक्सर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। जो हमें इनपुट्स मिलते हैं मिक्सर के, उसमें मिलते हैं हमें 6 इनपुट्स मिलते हैं, जिसमें से दो हमारे ये आप देखेंगे मोनो माइक लाइन इनपुट्स होते हैं, बाकी हमारे दो स्टीरियो इनपुट्स होते हैं जिसमें दो RCA और दो आपके TRS होते हैं लेफ्ट राइट। साथ में हमें आउटपुट में हमें यहाँ मिलता है मॉनिटर आउट, जो हमारा काम आता है हमारा कुछ एक्सटर्नल मॉनिटर, पर्सनल म्यूजिक सिस्टम और सबवूफर वगैरह लगाने के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है इस सिस्टम की, इसमें आपको दोनों चैनल पे चैनल 1 और चैनल 2 पे ऑन बोर्ड EQ सेट्स मिलते हैं सेपरेट, जिसमें आप ट्रेबल, बेस और रिवर्ब दोनों चैनल पे सेपरेट सेट कर सकते हैं। साथ में आप यहां से चाहें तो इनको ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। यहां पे आपको बटन दिया गया है और मेंशन किया गया है कैसे ऑफ होगा कैसे ऑन होगा दोनों चैनल पर। उसके साथ आप देखेंगे यहां नीचे आपको सेपरेट वॉल्यूम दे रखे हैं, हर चैनल के सेपरेट वॉल्यूम है यहां पे आप देखेंगे, लेकिन आपको एक और दो के बाद 3, 4 और 5, 6 मतलब कि 6 चैनल पे आपको दो चैनल में ये सेपरेट सिस्टम मिलता है, बाकी 4 चैनल पे आपको ये सिस्टम नहीं मिलता है। सेपरेट वॉल्यूम का सिस्टम ज़रूर मिलता है इनमें, ये 3, 4 के लिए सेम वॉल्यूम है, इधर आप देखेंगे 5 के लिए यही वॉल्यूम है, और दूसरा आप यहाँ देखेंगे RCA के लिए मॉनिटर आउट के लिए भी यही वॉल्यूम है। साथ में आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा मास्टर वॉल्यूम है पूरे सेट का, ऊपर आप देखेंगे ये हमारा पावर का इंडिकेटर है, नीचे आप देखेंगे ये हमारा लिमिट का इंडिकेटर है। साथ में आपको 3 और 4 चैनल पे लाइन स्टीरियो लेफ्ट राइट और RCA लेफ्ट राइट स्टीरियो भी मिलता है। ये 3 और 4 पे आप आराम से कोई इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, इंस्ट्रूमेंट, प्री एम्प या कोई प्रोसेसर और कोई इलेक्ट्रॉनिक ड्रम या मशीन, कुछ इस टाइप का आप लगाना चाहते हैं इक्विपमेंट, वो इन पे यूज़ कर सकते हैं। इधर आप RCA के थ्रू चाहें, इधर आप TRS के थ्रू चाहें, जिसके थ्रू चाहें उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। 5-6 पे आपको 3.5 mm जैक मिलता है, ये 5-6 का जैक आपको काम आएगा आपके पर्सनल म्यूजिक सिस्टम, CD प्लेयर्स और कोई इस टाइप का पर्सनल डिवाइस आप लगाना चाहते हैं अपने इस सेट के साथ, वो भी आप इसके थ्रू लगा सकते हैं 3.5 mm जैक के थ्रू कनेक्ट करके। दोस्तों ये थे इसके मिक्सर में जो फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं आपको उसके लिए। सिंगर हैं, DJ हैं, टीचर हैं, कहीं आप म्यूज़िक क्लास लगाते हैं या आप कोई इंस्ट्रूमेंट क्लासेस लगाते हैं, टीचर्स हैं, आपको अनाउंसमेंट के लिए चाहिए और आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए रखना चाहते हैं अपने घर में छोटे फंक्शंस प्रोग्राम के लिए, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है यूज़ करने में, बहुत ही पोर्टेबल है। दोस्तों आपको इसका एक साथ में तीनों का लुक दिखाते हुए इसके कुछ और एक्सटर्नल फीचर्स भी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों इस सेट की जो मैक्सिमम SPL है, साउंड प्रेशर लेवल है, वो है 113 dB, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो काम करता है आपका 64 Hz से लेके 22 kHz तक। साथ में इसका जो रेस्पॉन्स होता है फ्रीक्वेंसी का, वो रेस्पॉन्स होता है इसका 77 Hz से लेके 20 kHz के बीच में। इसके साथ साथ इसका जो कवरेज पैटर्न आपको मिलता है वो मिलता है 80° by 80° के कवरेज में। इस सेट में जिस क्लास का एम्पलीफायर लगाया गया है वो है Class D एम्पलीफायर। उसके साथ साथ इस स्पीकर की, इस पूरे सेट की जो वॉटेज है वो वॉटेज देता है ये 160 W, जिसमें 80 W का आपका एक स्पीकर होता है, मतलब 80 W 80 W 160 W की टोटल पावर देता है। साथ में इसका जो वेट है वो वेट है टोटल 11 kg, तो बहुत ही लाइट वेट भी है और 160 W दे रहा है 6.5 इंच के ड्राइवर में, तो काफ़ी पावरफुल भी होगा।
दोस्तों कनेक्शन इसके कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने आपको केबल दिखाई थी, ये देखिए आप केबल, ये केबल आई है इसके साथ एसेसरीज में, बॉक्स में आती हैं ऐसी दो केबल आपको मिलेंगी, एक ये रही और एक ये रही, ये दो केबल आपको मिलती हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, इस केबल को लेना है और हमें स्पीकर के बैक साइड में जाके, यहाँ आप देखिए इसमें हमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है और दूसरी साइड हमें मिक्सर के बैक साइड में जाना है। यहाँ देखेंगे आप दो पॉइंट दिए गए हैं आपके स्पीकर को इस मिक्सर के साथ कनेक्ट करने के लिए, मैं इसको लेफ्ट में ले रहा हूँ, इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। सेम उसी तरीके से हमें अपने इस स्पीकर का भी वायर को कनेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों ये, इसीलिए बहुत ज़्यादा बिकता है ये, इसीलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, इतना पुराना मॉडल होने के बाद भी आज भी ये डिसकंटिन्यूड नहीं हुआ। वहीं ईऑन सीरीज के 600 सीरीज भी बंद हो गई, अब 700 आ गई, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। अब ये कनेक्ट हो गए हमारे, दोस्तों मैं स्पीकर को थोड़ा डिस्टेंस पे रखता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क आए और थोड़ा आपको भी दिखे क्वालिटी कैसी है इसकी। अब मैं इसके मिक्सर को पावर से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ इसकी पावर ऑन करता हूँ। यहाँ देखिए पावर ऑन हो गई है, इंडिकेटर शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ मैंने अपने साथ एक माइक रखा है, ये है शोर का SB200, ये एक वायर्ड माइक है, इसको मैं हम टेस्टिंग करेंगे इस पे, इसके सारी सेटिंग्स EQ सेटिंग्स को चेक करके। साथ में एक XLR केबल ली है मैंने बैलेंस में, उसके साथ मैंने यहाँ पे एक EP2 RCA केबल ली है, फ़ोन को कनेक्ट करूँगा इससे और म्यूज़िक प्ले करके हम इसके स्पीकर की क्वालिटी देखेंगे क्या किस लेवल तक चलता है ये। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले मैं माइक कनेक्ट करता हूँ इसमें। ये माइक लग गया है हमारा, अब यहाँ से मैं माइक लाइन को ऑन करता हूँ, मेरा माइक है मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, इधर से मास्टर का वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। अब देखिए हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, 1 2 3 चेक, बोल बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों कांवर का महीना है, सावन का महीना है और भोले बाबा के दरबार लोग कई ऐसे चाहने वाले हैं जो ये सिस्टम भी लेकर जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, अपने साथ लेके जाते हैं भोले की भक्ति को दुनिया को दिखाने के लिए। हम इसका इक्विलाइजर सेट करके देखते हैं, यहाँ से मैं देखिए ट्रेबल सेट करता हूँ, मान लीजिए अभी सेंटर पे है। हेलो चेक, हेलो चेक, दोस्तों आपको ट्रेबल सुनाई नहीं दे रहा होगा, अब देखिए मैं ट्रेबल सेंटर पे करता हूँ। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, हेलो चेक, तो काम करता है इस तरीके से। अब यहाँ देखिए रिवर्ब है, रिवर्ब बाय डिफ़ॉल्ट इस सेट में 0 पे होता है, हम उसको सेट करेंगे, बाकी तो आपके ट्रेबल और बेस सेंटर पे होते हैं लेकिन रिवर्ब हमारा 0 पे है। अब देखिए हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, और चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसको, हेलो चेक। अब मुझे नहीं रखना है रिवर्ब तो मैं इसको यहाँ से बटन के थ्रू भी प्रेस करके हेलो चेक, हेलो चेक, मेरा हट गया। तो रिवर्ब इसका काफ़ी अच्छा दोस्तों कैच कर रहा है हमारी वॉइस को और काफ़ी अच्छा फील दे रहा है, उतना अच्छा देता नहीं है और मैंने देखे हैं ब्रांड्स में इतना अच्छा रिवर्ब फील नहीं देता है जितना अच्छा इसमें दे रहा है। तो चलिए यहाँ तो था हमारा ये माइक टेस्टिंग, माइक चेक कर रहे थे हम, इसका क्वालिटी देख रहे थे, अब हम देखते हैं इसके RCA पे लगा के इसका म्यूज़िक चेक करके इसके साउंड की क्वालिटी, इसके स्पीकर्स की ड्राइवर की क्वालिटी कैसी है, और आप भी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वालिटी आपको कैसी लगी। यहाँ मैं कनेक्ट करूँगा RCA 3 और 4 पे नंबर पे करूँगा मैं। अब मैं इसको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करूंगा और लैपटॉप में दिखाऊंगा आपको क्वालिटी इसकी।
दोस्तों अभी आपने देखा मैंने एकदम फास्ट म्यूजिक चला रखा था और उसमें आप देख रहे होंगे एक एक बीट्स आपको क्लियर आ रही होगी इसमें। अभी मैं अब चलाता हूँ मैं एक स्लो म्यूजिक, जिसमें स्लो म्यूजिक में आपको इसके ड्राइवर की क्वालिटी और अच्छे से दिखेगी, पता लगेगा, आपको भी कहने को नहीं रहेगा कि मैंने फास्ट ही चलाया, स्लो भी चला के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पेश है आपकी खिदमत में ये स्लो म्यूजिक इस ION 206P के सेट पे, ध्यान से सुनिए आप। क्वालिटी बहुत बढ़िया है दोस्तों इसकी, बहुत जबरदस्त है, पर्सनल यूज कमर्शियल यूज के साथ। दोस्तों 50% पे आप यहाँ देखिए मास्टर वॉल्यूम, और ये भी आप देखिए इसके चैनल 50% पे वॉल्यूम है, तो ये हाल है। अगर इसको मैं लाउड करूंगा तो सोचो क्या हाल होगा। म्यूजिक सुनने में मजा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे आता भी है, शायद आपको भी आए। सुनो हेलो चेक। तो दोस्तों आपने देखा इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपको खुद दिखा होगा 6.5 इंच के स्पीकर हैं ये, लेकिन लगने में साउंड क्वालिटी में और जो इनका एक पंच है उसमें तो ज़बरदस्त है, ये तो मैं मानूंगा। मेरे हिसाब से तो इसको 10 में से 8 नंबर में दूंगा, 2 नंबर इसलिए काटूंगा क्योंकि थोड़ा साइज़ में छोटा है, और थोड़ा कहीं हम ओवर एक्साइटेड हो जाएं इसको लेके, हमने ले लिया और जो है हमारा तो कोई भी साउंड कोई भी म्यूजिक कितना भी लाउड चलाओ उतने भी चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इनकी भी एक कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से आप इसको चलाएंगे तो अच्छा चलेगा। मैंने जिस कैपेसिटी पर चलाया है इससे आप और ज़्यादा ऊपर कैपेसिटी रख सकते हैं इसकी, बहुत ही मस्त स्पीकर है। इसमें एक मॉडल और आता है इसका ION 208, वो 8 इंच का मॉडल है, उसमें आपको ब्लूटूथ भी मिलता है पेयर करने के लिए, वायरलेसली आप उसको पेयर कर सकते हैं और इस तरीके से वायर्ड भी पेयर कर सकते हैं आप। इस स्पीकर को आप लीजिए, बहुत लोगों ने यूज़ भी किया है, काफ़ी सालों से ये मार्केट में है, आज भी इसकी डिमांड उतनी है जितनी ये पहली बार आया था तब थी, क्योंकि ये सेट तो पुराना है लेकिन मेरा चैनल नया है, तो इसलिए मैंने ये अपने चैनल में वीडियो डाला, और मैंने ऐसा वीडियो मैंने देखा भी नहीं 206 या 208 का कोई सही से वीडियो बना हो, तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। साथ में मुझे भी इसमें सीखने को मिला, इसके बारे में जानने को मिला, इसकी साउंड क्वालिटी देखने को मिला आपके बहाने। तो बताइएगा आपको ये स्पीकर कैसा लगा, इस सेट के बारे में बताइएगा, साथ में अपने कमेंट भी शेयर कीजिएगा क्या कमी है,
और मेरे को क्या बेहतर करना चाहिए। इसी के साथ मैं यही वीडियो ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको कुछ अच्छे और कुछ बढ़िया सिस्टम के साथ, जैसे मैं हर बार लेके आता हूँ। और मेरा सीलिंग स्पीकर्स का JBL के वीडियो लास्ट वीक यूट्यूब पर आ गया है, आप जाइए उस वीडियो को भी देखिए, आपको पता लगेगा JBL में किस किस टाइप के सीलिंग स्पीकर किस किस साइज के आते हैं, सीलिंग सबवूफर कौन से आते हैं, आपको उसकी नॉलेज मिलेगी। आप आसानी से सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, आप घरों में अपने लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मौसम का अंदाज रखिए, बारिश का बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, बाहर अच्छा मौसम हो रखा है, अभी जाके थोड़ा गर्मी से आराम मिलेगा। तो चलिए मैं वीडियो ये ख़त्म करता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।